गाइज संदीप महेश्वरी जो कि इंडिया के नंबर वन मोटिवेशन स्पीकर हैं, इनके यूट्यूब चैनल पर 24 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। पर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए कि संदीप महेश्वरी जो कि इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी ये अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किए हैं, यानी कि ये अपने यूट्यूब चैनल से एक रुपया भी नहीं कमाते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा। जी हाँ गाइज, ये 100% सच है। ये सुनकर आपको शौक जरूर लगा होगा कि इतने बड़े YouTube चैनल जिनके हरेक वीडियो पर मिलियंस में व्यू जाते हैं, इसके बावजूद भी इन्होंने अपने चैनल पर ऐड नहीं लगा रखा है, यानी कि ये YouTube से पैसे नहीं कमाते हैं। आप इनके चैनल पर जाकर देखेंगे तो इन्होंने टैगलाइन में लिखा है वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट चैनल। इसका मतलब हुआ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बिना प्रॉफिट के चैनल है। अगर ये चाहें तो अपने चैनल को अभी भी मोनेटाइज करके एडसेंस से भर भर के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन नहीं। आजकल हर कोई बंदा या तो छोटा क्रिएटर हो या बड़ा, वो यूट्यूब पर काम कर रहा है तो सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन संदीप महेश्वरी ही एक ऐसा आदमी है जिन्होंने अपने चैनल को अभी तक मोनेटाइज नहीं किया है, यानी कि वो यूट्यूब से पैसे नहीं कमाते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, वो अपने चैनल को मोनेटाइज क्यों नहीं किए हैं, इसका आंसर आप खुद उन्हीं के मुँह से सुनिए। तो मेरी मंथली जो व्यूज आ रहे हैं चैनल के ऊपर, टोटल जो नंबर ऑफ व्यूज होते हैं वो है करीब 7 करोड़। जो मेरी ड्यूरेशन है वीडियोस की वो है 20 से 25 मिनट का। माय गॉड। तो उसमें मल्टीपल ऐड चल सकती है। बिल्कुल। तो देख करके मेरे अंदर लालच आया। उसको आप सीधी सी कैलकुलेशन करोगे तो महीने का बनता है 1-1.5 करोड़ रुपए। इतना मैं अपने धंधे से भी नहीं कमा रहा। मुझे क्या करना है, मुझे मोनेटाइजेशन मैंने पीछे से ऑफ कर रखी है, उसको जा करके ऑन करना है। पैसा आना शुरू बैंक में। अभी आप सर इंटेंशन की बात कर रहे थे काफी टाइम से, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आपका सर एग्जैक्टली लाइक एक्चुअली में आपका इंटेंशन क्या है सर इस सब के पीछे। मेरी नीयत क्या है कि मेरे पास में दो ऑप्शन है आज। एक ये कि मैं एक इंसान के फायदे के बारे में सोचूं। वो एक इंसान कौन है? मैं हूँ। तो मेरा फायदा किस में है? उस बटन को ऑन करने में जो 1 घंटे का काम है। 500 वीडियोस पे ऑन हो जाएगा, खट 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 खट, और नोटों की बारिश शुरू। इसमें किसका फायदा हुआ? एक का। अगर मैं ऐड ऑन नहीं करता हूँ तो उसमें कितनों का फायदा हुआ? 7 करोड़ व्यूज हो रहे हैं हर वीडियो पे। अगर मल्टीपल टाइम्स ऐड चलती और 1 मिनट भी वेस्ट होता एक वीडियो में, क्योंकि ऑन एन एवरेज मेरी ड्यूरेशन क्या है एक वीडियो की? 20 से 25 मिनट। तो मान लेते हैं उसमें 1 मिनट ऐड में चला जाता है, तो क्या 7 करोड़ मिनट का टाइम खराब नहीं हो गया और लोगों का? टाइम इज इक्वल टू मनी। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, अगर समझ पा रहे हो तो। तो इसको बोलते हैं नियत, कि आपको यह देखना है कि एक का फायदा है या सबका फायदा है। तो देखा आपने, इस दुनिया में कई तरह के इंसान हैं, तो सब इंसान ही, पर सबको एक जैसा नहीं हाँक सकते। तो गाइज कैसी लगी ये हमारी वीडियो, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सवाल जवाब रह गया हो तो नीचे कमेंट में लिख देना। अगर मिलना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।